स्टूडेंट स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट सोशल साइंस चैप्टर 2 जर्नी फ्रॉम प्रीमेटिव मैन टू सेटल लाइफ। प्रीमेटिव मैन मीन्स के जो घूमते फिरते रखड़ते होते ना मैन, वैसे मैं आपको फोटो में दिखाऊंगी कैसे होते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट। जयबीर एंड हिज फैमिली वेर गोइंग फ्रॉम द गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन। सिटिंग नियर द विंडो ही शो ट्रीज, बुलक कार्ट्स, कैमल्स कार्ट्स, रिक्शोज, बस, ट्रैक्टर्स एक्सेट्रा। जयबीर और उसकी फैमिली वो गांधीनगर से जामनगर जा रहे थे ट्रेन में, और वो कहाँ बैठा था, विंडो सीट के पास, और वहाँ बैठे बैठे वो देख रहा था सब ट्री, बुलक कार्ट, कैमल्स, रिक्शा, वो सब ट्रैक्टर, बस। ही आस्क हिज अंकल, उसने अपने अंकल से पूछा, वेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट, ये कब चालू हुआ था। हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड, देखो उसके अंकल ने बैक हैंड किया और बोला, ट्रेन स्टार्टेड इन अवर कंट्री अप्रोक्सीमेटली 150 ईयर्स बैक, देखो 150 साल पहले ट्रेन स्टार्ट हुई थी। अमॉन्ग ऑल द व्हीकल्स विच यू आर सीइंग ऑन रोड, और जो तुम ये सब सारे व्हीकल रोड पे देख रहे हो, द बुलक कार्ट इज द ओल्डेस्ट, इसमें सबसे जो पुराना है वो बुलक कार्ट है। बिफोर इट थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बैक मैन डिडंट हैव एनी मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, हजारों साल पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ही यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ऑन फुट, हजारों साल पहले तो ऐसे कोई कार बुलक कार ऐसा कुछ नहीं था, सब अपने पैर से चल के जाते थे, जहां भी जाना हो, एक गांव से दूसरे गांव भी जाना तो भी वो लोग अपने पैर से चल के जाते थे। प्रीमेटिव मैन नोमैडिक लाइफ, प्रीमेटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम, मतलब कि बहुत पुराने साल के इंसान की बात हो रही है। अप्रोक्सीमेटली 20 लाख ईयर्स अगो, देखो अप्रोक्सीमेटली कितने 20 लाख ईयर्स अगो की बात हो रही है। ही लेड अ नोमैडिक लाइफ एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग, देखो वो लोग कैसे अपना खाना कैसे टाइम स्पेंड करते थे, कैसे क्या करते थे, शिकार करके। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमंस इज कॉल्ड हंटर एंड गैदर, देखो उस टाइम के लोगों को हंटर एंड गैदर कह रहे थे। He used to gather his food by hunting animals like deer, fishes and birds. देखो वो लोग अपने खाने के लिए ये सब चीजों का इस्तेमाल करते थे। Other than this, they collected roots and fruits for their food. देखो उसके बाद ये roots और fruit की बात हुई। It was not that easy. ये इतना आसान नहीं था। Sometimes wild animals attacked them. कभी कभी wild animals उन लोगों के अटैक भी कर देते थे। Moreover, some of the animals were fast in running. देखो आधे animals है तो ऐसे होते हैं जो बहुत fast दौड़ते हैं। So it was not easy for primitive man to catch them. So ये इतना आसान नहीं था primitive man के लिए उन लोगों को पकड़ना, because कि वो बहुत fast run करते थे। Thus the primitive man used to wander from one place to another in search of food. इसलिए वो एक जगह से दूसरी जगह अपना खाना ढूंढने के लिए जाते थे। Thus he learned which fruits and roots to eat and which not to eat as many of them were poisons. देखो फिर वो लोग हर जगह खाना ऐसे ढूंढने जाते थे, तब वो लोग चेक करते थे कौन सी चीज खाई जा सकती है, कौन सी नहीं खाई जा सकती, कौन सी जहरीली है, वो उन लोगों ने एक्सपेरिमेंट खा के उनको पता चलता था। एनिमल्स लाइक डियर, शीप, गॉट वेर इजी टू हंट, टू प्रिमिटिव मैन यूज टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ देम। मोर ओवर वाटर बींग इसेंटल फॉर लाइफ दे यूज टू सेटल नियर द सोर्सेज ऑफ वाटर, देखो सो एनिमल में लाइक डियर, शीप, गॉट वेर वेरी इजी, वो लोग इन लोगों को वेरी इजिली पकड़ सकते थे, बराबर है, लेकिन जो फास्ट दौड़ते थे उनको इतनी आसानी से वो लोग नहीं पकड़ सकते थे। प्लेसिस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन ऑफ प्रिमेटिव मैन इन इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस हैव टूगेदर फाउंड अवर मैनी प्लेसिस ऑफ हैबिटेशन ऑफ प्रिमेटिव मैन, देखो इन जगह पे जहाँ पे प्रिमेटिव मैन पाए गए वो देखते हैं। अलॉन्ग विद द दे हैव ऑल्सो फाउंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्लीमेंट्स यूज बाय देम, दे यूज इम्प्लीमेंट्स एंड वेपन्स मेड ऑफ स्टोन्स एंड वुड, देखो ये सब करते करते उन लोगों को किस चीज का इम्प्लीमेंट हुआ, वेपन्स एंड स्टोन का एंड वुड का। Sometimes they even use implements made up of bones. देखो implements किससे बनते थे, बोन हड़के हमारे जो होते उससे ही बनते थे। इन लोगों की फोटो मैं आपको भेजूंगी। Since the leaves of hunter gathering and the wonder aids are associated with stones technology, this time is called paleolithics.
देखो उसके उस जमाने में इसको ऐसे बोला जाता था, स्टोन्स जो थे ना उनको, देखो यहाँ पे सब स्टोन्स की फोटो दिखाई है, उससे वेपन्स बनाते थे, अगर घर बनाने के लिए भी इससे इसका ही यूज करते थे। द स्टोन्स शो इज फिगर 2.1 वर यूज टू कट वेजिटेशन एंड टू स्क्रैप द स्किन ऑफ एनिमल्स। प्रिमिटिव मैन यूज द पील ऑफ द ट्री एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कवर हिज बॉडी। देखो स्टोन से ये सब काम करते थे वो लोग। मैप ऑफ स्टोन्स एज ह्यूमन हैबिटेशन इन इंडिया, मैप दिया है यहाँ। मैप में हम अलग अलग जगह की साइन दिया, ट्राइंगल जो स्टोन्स की प्लेस दिखा रहे हैं, सर्कल, नियोलिथिक्स की, ये सब चीज जो है वो साइन दिखा रहे कौन सी जगह पे कौन सी है। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप, देखो केयरफुली प्लेसेस को मार्क करना है। You will find that at the many places of India. इसमें समय ऐसी चीज ऐसे प्लेस ढूंढने जो many places ज्यादा से ज्यादा इंडिया के। तो primitive man might have in Leo, ज्यादा से ज्यादा primitive man कहाँ पे पाए गए हैं इंडिया में। Few places are shown in the map, but there are evidence of their habit in many places in India. देखो मैप में दिखाई गई है जगह, कितनी इंडिया में कहाँ पे एविडेंस भी पाए गए। दे प्रीफर टू स्टे इन गुड एंड लार्ज प्लेसेस वेयर स्टोन्स वुड एंड वाटर वेयर फाउंड। कहाँ कहाँ पे अच्छे अच्छे खाने की बड़ी बड़ी जगह पाई गई है, वहाँ पे स्टोन्स, लकड़े, पानी ये सब मिल गए। दे लिव इन नेचुरल काउस ऑफ द प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम रेन एंड वाइल्ड एनिमल। देखो नेचुरल जगह पर रहने लगे, वहां पे क्या हुआ, प्रोटेक्ट द डैम सेल, अपने आप को संभालने के लिए बारिश और वाइल्ड एनिमल से। सर्वल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन द विद्या माउंटेन्स एंड सेंट्रल इंडिया। देखो जो सर्च किए थे कहाँ पे, वो ये दो जगह पे ज्यादा पाए गए थे। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन द रीजन अराउंड द नर्मदा रिवर। देखो नर्मदा रिवर के नजदीक भी पाए गए है। भीम बेट का मध्य प्रदेश में आया है, हैज बीन फाउंड, वहां पर भी पाए गए। विच वॉज एंड एक्सेलेंट प्लेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, ये बहुत सबसे एक्सेलेंट प्लेस है। इन इट्स केव्स नियर अबाउट 500 इमेजेस ऑफ बर्ड्स, डियर, वुडन स्प्रेड्स, ट्रीज, ह्यूमन एक्सेट्रा। देखो कितनी 500 पिक्चर्स पाई गई है। ड्रॉन बाय द प्रिमेटिव मैन हैव बीन फाउंड विच आर ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ नेचुरल कलर। देखो भीमबेटका का फोटो दिखाया, देखो इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। डिस्कवर ऑफ फायर एंड व्हील्स एंड देयर यूजेस। रून्स ऑफ एस्ट फाउंड इन द काउस ऑफ द प्रीमेटिव मैन इज कुर्नूल इन साउथ इंडिया। कहाँ पे है, साउथ इंडिया में। इंडिकेट दैट दे वेर फेमिलियर्स विद फायर। एज पर हिस्टोरियंस अप्रोक्सिमेटली 11,000 ईयर्स अगो ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर। देखो 11 साल पहले की बात करें तब फायर ढूंढी गई थी, और लोग कैसे फायर आग जलाते थे वो दिखा है। यूज ऑफ फायर हैड रिवोल्यूशनाइज्ड देयर लाइफ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ इट दे कुड कुक द मीट एंड इट गेट लाइट एंड प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स। देखो ये जो प्रीमेटिव मैन्स थे उन लोगों ने आग की खोज की थी, वो लोग स्टोन से आग उत्पन्न करते थे और उससे ही वो लोग अपना खाना, मीट जो मतलब ऐसा सब नॉनवेज होता है वो उससे ही पकाते थे। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात, जो वाइल्ड एनिमल्स थे उनकी अपने आप की रक्षा, वो आग लकड़ा जो होता है आग का जला के उनसे वो अपनी रक्षा करते थे। अदर देन फाइन विल ऑल्सो रिवोल्यूशनाइज देयर लाइफ, दे लर्न टू मेक विल फ्रॉम थ्री ट्रक्स एंड द थिक वुड्स। देखो व्हील की खोज भी उन लोगों ने ही की थी, कहां से कैसे। देखो चेंजिंग एनवायरमेंट अराउंड 12,000 ईयर्स अगो, 12 साल पहले की बात कर रहे हैं। देयर वॉज अ वाइड स्प्रेड चेंज इन द एटमोस्फियर ऑफ द वर्ल्ड।
वर्ल्ड का जो एटमॉस्फेयर था वो चेंज हुआ था ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर. वेजिटेशन एंड ग्रास फील्ड स्टार्टेड ग्रोइंग इन द मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड. देखो तब टेम्परेचर जो ग्रास ग्रीन हो रहा था वो सब स्टार्टिंग तब से हुआ था. एज अ रिजल्ट नंबर ऑफ ग्रास ईटिंग एनिमल्स लाइक डियर शीप गॉट एक्सेट्रा. तब पता चला था कि ये जो एनिमल्स है वो लोग सब ग्रास खाते हैं, वो इसलिए हर्बीवेरियन से नॉन वेज नहीं है वेज है. इंक्रीज द प्रीमेटिव मैन यहाँ पे सेंट्रली लिखा है सर्टनली आएगा. गॉट बेनिफिट्स ऑफ इट. देखो बहुत सारी वो उन लोगों को जिज्ञासा थी सबके बेनिफिट्स ढूंढने की. दे स्टार्टेड स्टडिंग दिस एनिमल्स बिहेवियर्स एंड थस देयर मेंटल डेवलपमेंट स्टार्टेड. देखो फिर लोगों ने उनकी उनके ऊपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि क्या है कैसे है, ये सब जानना उनको उत्सुकता हुई. They came in contact with grass tree vegetation as well as wheat, barley and other grains due to climate changes. देखो ये चीज सब वहां पे हो रही थी. और उससे पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका था. By using stones, women, men and children's collected grains. देखो उसके बाद ये सब चीज के यूज करने लगे. Because of दिस क्यूरियस इंस्टेंस एंड स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया. इसके बाद इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था. पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन. देखो वो लोग स्टोन का भी यूज करने लगे ग्रेन उत्पन्न करने के लिए ग्रो करने के लिए. दे स्टार्टेड एंड अदर मटीरियल्स इन द नियर बाय एरियाज. फिर उन लोगों ने नजदीक के एरिया में बाकी का जो मटीरियल्स यूज करने के लिए था वो ढूंढना चालू कर दिया. एज अ रिजल्ट ऑफ इट देयर नॉमिडिक लाइफ केम टू एन एंड स्टार्टेड अ सेटल लाइफ. देखो उसके बाद उन लोगों की लाइफ सेटल होने लगी. द फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ द फ्रेंड ऑफ हिज सेटल लाइफ वॉज अ डॉग. देखो जो इन लोगों का था उनका सबसे बेस्ट पहला फ्रेंड कौन बना था, कुत्ता. इज द वेरी ऑनेस्ट, बहुत वफादार होता है बोलते हैं हम लोग. सो उन लोगों ने सबसे पहले किसको फ्रेंड बनाया, डॉग. बिसाइड ही वॉज ऑल्सो फेमिनियर विद द शीप गॉट काउ बफेलो पीग एक्सेट्रा. उसके बाद ये सबके साथ भी दोस्ती हो गई, ये लोग एक फैमिली जैसे. इज ऑल हर्बीवेरियस एंड ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एग्जिस्टिंग विद द डैम टू. और उन लोगों के साथ उन लोगों ने एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिया. द एनिमल्स प्रोटेक्ट डैम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल. ये जो एनिमल थे उन लोगों का वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे. क्यों? क्योंकि वाइल्ड एनिमल को जो भूख लगती थी तब वो लोग ये जो एनिमल्स थे ना उन लोगों को खा जाते, इसलिए वो लोग मैन को नहीं खाते थे. अगर उन लोगों को जो ये सब एनिमल्स नहीं मिलते तो वो लोग अपनी भूख को संतोष करने के लिए वो लोग मैन को खा जाते थे. सो ये सब जो शीप गॉट काउ बफेलो पिग ये सब है उनका प्रोटेक्ट करते थे वाइल्ड एनिमल्स से. ग्रेजुअली दे स्टार्टेड एग्जिस्टिंग विद देम टू. उन लोगों ने उसके साथ फिर एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर दिया. थस दे एसोसिएटेड विद द एनिमल्स एंड हस्बैंड राइड ऑल्सो अलोंग विद फार्मिंग. हाउएवर रिसर्च इज बींग कैरिड आउट टू फाइंड आउट बो लॉन्ग ही हैड बीन यूजिंग एनिमल्स टू गेट मिल्क. उसके बाद वो लोग ये रिसर्च करने लगे कि एनिमल्स दूध कब से देना स्टार्ट किया, कहाँ से कैसे ये सब कैसे हुआ, ये चीज के वो लोग रिसर्च करने लगे कि ये जो सब एनिमल्स है वो मिल्क कैसे देते हैं, कब, ये सब. सेटल लाइफ फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग. अर्ली लाइफ एंड पास्टोरल एक्टिविटीज ट्रांसफोर्ड प्रीमेटिव मैन्स लाइफ इन टू सेटल लाइफ. देखो अभी सबकी लाइफ कैसी हो गई, सेटल हो गई है, सबके पास सब कुछ ये जो चीजें खाने की पहनने की रहने के लिए वो सब सेटल हो चुका है. ये लोग सब ट्रांसफर हो गए प्रीमेटिव मैन्स लाइफ इनटू सेटल. वी नो दैट एग्रीकल्चर्स लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट ओवर बिकॉज इट टेक्स सम टाइम्स फॉर क्रॉप्स टू ग्रो. उसके बाद क्या हुआ, देखो एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट आउट. ये नहीं, एग्रीकल्चर की जो लाइफ थी वो नहीं गई और उसके साथ सब चीजें ग्रो होने लगी. इट नीड्स वाटर एंड क्रॉप हैव टू बी हार्वेस्टेड व्हेन ग्रेन एंड आर रेडी. देखो ये जो चीज एग्रीकल्चर के लिए यूज होती थी वो सब भी ढूंढने लगे. फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्ट इम्पोर्टेंट वाटर, पानी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता. दिस प्रोसेस लेड टू द बिगनिंग फॉर सेटल लाइफ इन इंडिया. इंडिया में फिर इन लोगों की लाइफ सेटल होना स्टार्ट हो गई. He also started making earthen post for the stones of grains. देखो ये सब चीज बनने लगी.
As the wandering life came to end and there was a widespread change in their food habit, clothes and shelter. Food habit भी हो गए, clothes भी हो गए, shelters भी हो गया. Along with wheat, barley, meat, they started eating fish and fruits found near the settlement. देखो ये सब चीजें उन लोगों को खाने के लिए भी मिलने लगी और वो लोग सेटल हो गए. He lived in houses made of wood, thatch and other such materials. देखो फिर ये सब चीज वो बनाने लगी. He did agriculture, he made farming implement of stones. Agriculture को भी किसे made किया उन लोगों ने, implements of stones which included the spade, chisels and sickle. The following table shows the use the places in India where grains, shelter, weapons and the remains of animals have been found. नीचे सब चीज दी है, ग्रेन, सेटलमेंट, वेपन्स, एनिमल्स का कहाँ पे देखो, वीट, बैली, शीप, गॉड, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स कहाँ पे, मेहरगांव, वो कहाँ पे है, प्रेजेंटली इन पाकिस्तान. राइस, बॉन्स ऑफ एनिमल्स, कोल्दी हवा इज द यूपी, उत्तर प्रदेश. राइस, शीप, गॉड, स्टोन, इम्प्लीमेंट्स इज द उत्तर प्रदेश, मतलब महागत जो नाम दिया वो. ह्यूमन सेटल्स, राइनो, गुजरात. वेट, लेंटिक, डॉग, स्पीड हाउसेस, काश्मीर. बफेलो, बोल, इम्प्लीमेंट्स, बिहार. ये सब जगह के नाम दिए. आफ्टर वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ह्यूमन सेटलमेंट एंड कैटल रेडिंग फ्रॉम प्लेसेस लाइक बुरजुम, गुफकरल, हुडगी, मेहरगा, लेंगनाज एंड भीमबेटका विच वेर डिस्कवर बाय अवर आर्कियोलॉजिस्ट. ये सब जगह पे उन लोगों ने डिस्कवर किया, खोज की. देखो ये दिखाया इसमें मेहरगा, सब स्क्वायर स्क्वायर में बनाया दिख रहा है. फ्रॉम प्लेसेस सच एज मेहरगा एंड द इनमगोन वी इवन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेज एंड फार्मिंग. देखो यहाँ पे सब जगह की इन्फॉर्मेशन गेन की. दे यूज टू ग्रो ग्रेन्स लाइक बेरली एंड बाजरा. यहाँ पे क्या ग्रो हो रहा था, बाजरा और बेरली. शार्प स्टोन्स इम्प्लीमेंट्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम प्लेसेस लाइक मेहरगढ़ and the inamgon. This might have been used for farming. Mehrgarh may be considered to be the oldest village of the ancient India. सबसे oldest village था ये जो कहाँ पे आया था, presently in Pakistan. अभी कहाँ पे है, पाकिस्तान में. You see Mehrgarh in the map. Farming of barley and the wheat started from here. ये चीज यहाँ पे start हुई थी पहले. They raided sheep and goat and they did farming. And stored the grains. और फिर वो लोग ये सब चीज को store करने लगे. Bones of animals have also been found here. और ये जो animals के bones थे ना, वो भी यहीं पे सबसे पहले मिले थे. They live in rectangle houses. Small barns have also been found in these houses. देखो ये जो square rectangle houses थे वो भी यहीं पे सबसे पहले found हुए थे. According to the evidence found in Mehrgarh, they honored the dead by burning them. Many such evidence have been found here. बहुत ज्यादा ज्यादा evidence यहीं पे मिले गए थे. Evidence has been found at one place that God was also viewed along with man. This suggested their belief that there is life after death also. देखो, after death के बाद भी यहीं पे हुए थे. In the same way, a place named Inamgon has been found in Maharashtra. जो Inamgon था place, वो कहाँ पे पाया गया था, महाराष्ट्र में. From where Remains of dead bodies of children have been found. Children's ki jo dead bodies thi wo bhi yahi pe mili thi. They live in round shaped houses, raided cattle and did farming of bajra and barley.
राउंड शेप वाले जो हाउसेस थे वो भी यहीं पे पाए गए थे, एंड कैटल डीड फार्मिंग एंड बाजरा बेली वो भी यहीं पे हो रहे थे। चैप्टर समझ में आ गया, क्लियर हो गया? जो इस चैप्टर की आधी पिक्चर से मुझे आपको दिखा नहीं है वो मैं आपको फोटो सेंड कर दूंगी, प्रिमिटिव मैन्स कैसे दिखते थे, फिर विद्या माउंटेन कहाँ पे था, बॉन्स से जो पाए गए थे मेड ऑफ बॉन्स वो बराबर है, क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे एंड वर्कबुक में जो भी है वो सब क्लियर करेंगे। ओके ओके, सो नेक्स्ट चैप्टर में एक्सरसाइज 6-8 मिलेगी हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, चैप्टर समझ में आ गया होगा, आई होप आपको आपस एक बार आप रीड कर लेना। ओके बाय।